ऑन क्योंकि चल रही है बहुत ही गर्म गर्म सी हवाएं। ऑफिस से लौटो तो सब्जी वब्जी का आदेश आ ही जाता है लेने। और भैया कितनी का बन रहा है? वहाँ पे गोलगप्पा और टिक्की का नाश्ता हो रहा है। गाइस हमारा एसी डिलीवर्ड हो गया है। वैसे माँ तो अपनी बेटी के लिए करती है, हर माँ करती है अपनी बेटी के लिए। कहेंगे मम्मी के लिए गोल्ड भी लेंगे और देखिएगा आप लोग को, आप लोग बताइएगा। नहीं रोते पापा। हम सोच रहे हैं ना, लेकिन जब से टिकट निकलना है तब से मुझे रोना ही है, रोना ही रोना आ रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अब टाइम हो गया ऑफिस जाने का, तो ऑफिस ले निकल रहे हैं। कार साफ कर दी है भैया ने, इस ये उठा रहा था समझ में आ जाता है कार साफ हुई है। बात तो सही है, ये सिग्नल है। चलो कार साफ करने वाले भैया को बोल दिया, तो कार साफ होती रहती है तो टेंशन नहीं रहती है चीजों की ना। यहाँ से निकलते हैं, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान। चलते हैं अब ऑफिस 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 ऑफिस। सोसाइटी के बाहर और चलते हैं धीरे धीरे, ढक 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 ढक। अकेले ना गाड़ी चलाने का मजा नहीं आता, कोई साइड में बैठा हो, किट्टो बैठी हो तो बात करते करते जाओ तो अच्छा भी लगता है, अकेले मजा नहीं आता यार, खाली खाली से लगता है। तो इसलिए मेरा ब्लॉग आ रखा, तो उन्हें ब्लॉग अपना लगा दिया है अपने डिस्प्ले में, तो उसमें ब्लॉग में सुन रहा हूँ क्योंकि देख तो सकता नहीं हूँ गाड़ी चलाते वक्त, जब रेड लाइट होती तब भले देख लेता हूँ। चले गाइस चलते हैं। और एक्चुअली क्या, मैं ना कनॉट प्लेस गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा, मैं गाड़ी लेकर के जाऊँगा अपने जो मेरा नियर बाई जो मेट्रो है वहाँ पे मेट्रो गाड़ी खड़ी करूँगा, उसके बाद मेट्रो से जाऊँगा मैं, क्योंकि गाड़ी अभी मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं, इसलिए मैं ज्यादा दूर तक गाड़ी लेके जाना नहीं चाह रहा हूँ। शुरू में लेके गया मैं कनॉट प्लेस, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ यार कहीं कुछ होता ना कि जब तक अपने नाम पे ट्रांसफर ना हो जाए तब तक गाड़ी दूर ले जाना ठीक नहीं होता है, तो बस यही है मेट्रो पे जाके गाड़ी खड़ी करेंगे फिर वहां से ऑफिस जाएंगे। गाइज मैं पहुंच चुका हूं पार्किंग में और गाड़ी पार्क कर देता हूं। अपना चार्जर और फिर हम यहां से निकलेंगे ऑफिस के लिए। पर्स मोबाइल बेल्ट निकाल देते हैं, धूप बहुत हो रखी खतरनाक वाली। सात बजने वाले और मैं पहुंच चुका हूं पार्किंग में ऑफिस से। चाबी निकालता हूं यार, अरे भाई साहब तो गाइस सबसे पहले लगा लेते हैं सीट बेल्ट और क्या बात है, कर लेते हैं गाड़ी को ऑन क्योंकि चल रही है बहुत ही गर्म गर्म सी हवाएं। और निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कितनी देर में घर पहुँचते हैं, सात तो बज ही जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। गाड़ी वाड़ी चलाओ ना, गाना बड़ा गाने का मन करता है, आता तो है नहीं लेकिन गाएंगे जरूर। थोड़ा सा साउंड वाउंड कनेक्ट कर लेते हैं, पर्ची निकाल लेते हैं पैसे देने के लिए, फिर यहाँ से चलते हैं।
ऑफिस से लौटो, सब्जी अपनी गाड़ी से आ ही जाता है लेने का। यहाँ पे घर जाते हो पापा के लिए बढ़िया यादव जी की टिक्की पैक करा ली है हमने, बेहतरीन बनाते हैं भैया हमारे, तो गोलगप्पे भी पैक कर दो हमारे फटाक से। हो गया गाइस काम सारा हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस पहुंच चुका हूं घर, अब चलता हूं फटाफट। अच्छा पहुंच चुका हूं घर, चलता हूं फटाफट, ये भी सही है ना। चलिए पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दिया हूं, टेंशन फ्री, सब कुछ मामला सेट, चलते भैया। क्या बोल रहा भैया, कहाँ बोल रहा, लाइट जल रही थी इसलिए बोल रहा था, और दरवाजा भी खुला हुआ है इसलिए भी बोल रहा है। तो गाइस पहुंच चुका हूं मैं घर पे, और भैया किट्रानी का बन रहा है, क्या बना रही हो, सब्जी तैयारी, चाय, मुंह धुल लूं। तो गाइस आया हूँ, मुंह धुल लिया हूँ, पैंट चेंज कर लिया हूँ, टी शर्ट नहीं चेंज किया, सैनिटाइज कर लिया हूँ मैं अपने आप को, और देखा मैं बोला बेटू आओगे पापा पास, आओगे पापा पास, आओगे बेटू, बेटू मेरे जानू, तो गाइस नाश्ते में आ रखा है गोलगप्पे टिक्की, तो गोलगप्पे टिक्की लेके आया था मैं, चाहती गोलगप्पे खाओगी, क्या बात है, ए आप खाओगे बेटू, आप खाओगे क्या, इनको भी चाहिए, गजब बेइज्जती है। तो गाइस यहाँ पे गोलगप्पा और टिक्की की, टिक्की का नाश्ता हो रहा है। कार्तिक तुम पानी के साथ नहीं खाते क्या, खाते हैं। अच्छा कौन सा पानी है, खट्टा पानी है, खट्टा है। इसकी टिक्की ना बहुत जबरदस्त लगती है, खाने में बहुत मजा आ रहा है इसकी टिक्की, लाओ पानी पी लेते हैं। सब कुछ के बाद किट्टू रानी ने चाय दे दिया है, उधर मैच चाय, चाय मैच, पान उठा रहे हैं चाय मैच का साथ में, और सब लोग बाबू खिला रहे हैं, बैठो गाइस। हमारा एसी डिलीवर्ड हो गया है, डुअल इन्वर्टर एसी हमारा एलजी का। बेटू सो रहा है क्या, ये खेल रहा है, बेटू क्या कर रहे हो, हाँ कैसे मुंह कर लिए हो, खेल लो खेल लो। और कार्तिक मन लग रहा है, हाँ मन लग रहा है कार्तिक, अरे बाप रे, गए थे झूला, गए थे, गए थे झूला, बिजी है। तो गाइस देखते हैं किट्टू रानी क्या कर रही है, किट्टू क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, मेरे पास जो जो हल्की हल्की साड़ी थी मैंने मम्मी को पांच छह साड़ी दे दिया, हल्की हल्की साड़ी थी मतलब जो लाइट वेट थी, जिसे मम्मी जो पहन सकती हैं, उनके लिए कंफर्टेबल हो, जैसे ये सब देखो जब लाइट वेट था, ये तुम्हारी साड़ी है, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं लाइट वाला साड़ी मंगाती थी ना, ज्यादा वेट वाला, हाँ तो फिर उसके बाद ये सब मैंने मतलब कि अब मम्मी सब और सब अटैची में रख ली, दोपहर में रखी थी, हम बोली इतना लग भी जाए तो हम रख देंगे। ये कोलोबेशन वाली साड़ियाँ हैं, बाकी और ऐसे भी दाई करोगी मम्मी का, नहीं नहीं अभी जाएंगे कल मैं, क्योंकि मैंने मम्मी से प्रॉमिस, टिकट हो गया मम्मी का ना, टिकट तो हो गया गाइस, गाइस टिकट हुआ है 18 तारीख को, और हमने करवा दिया टिकट मम्मी का और पापा का टिकट कटवा दिया, तो कल जाएंगे मम्मी के लिए, गोल्ड भी लेंगे, और देखिएगा आप लोग को, आप लोग बताइएगा कैसा था है, मैं वगैरह रख रही थी, और मम्मी मेरा इतना किए इतना किए इतना किए कि ऐसे माँ तो अपनी बेटी के लिए करती है, हर माँ करती है अपनी बेटी के लिए,
बचपन जब से पैदा करती है तब से, फिर बड़े हो जाते तब तक तो करते रहते हैं। तो मैं उनकी एक बिल्कुल अच्छे से विदाई करूंगी और आप लोग को भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो जब से मेरे यहाँ आई हैं उन्होंने बहुत कुछ सुना भी है, बहुत कुछ सहा भी है, पर मैं नहीं चाहती कि मम्मी यहाँ से आ, लेकिन मम्मी मेरी ना देख रहे हैं कि ना बहुत रो रही हैं इधर उधर किनारे किनारे। पागल, एक ना एक दिन तो जाना ही है, तुम बस हंस के मुस्कुरा के मम्मी की विदाई करो, अच्छे से विदाई करो। नहीं रोते बापू, हम सोच रहे किनारे, लेकिन जब से टिकट निकलवाया तब से मुझे रोना ही है, रोना ही रोना आ रहा है। मम्मी इधर इमोशनल हो रही है, इधर इमोशनल हो रही है, तो मत भेजो मम्मी को, रोक लो। हाँ, उनका भी अपना परिवार है, कब तक मेरे यहाँ रहेंगी। अठारह को मम्मी पापा का टिकट हुआ है तो 18 को ही जाएंगे मम्मी पापा, बाकी देखते हैं उन लोग का प्लान है। 18 तो टिकट हम लोगों ने करवा दिया, कंफर्म टिकट है उनका 18 को जाने का, बाकी अभी कल कुछ काम है तो उसके बाद देखिए। कल बाबू हमारा बहुत मिस करेगा यार। हाँ, एक एक चीज़ याद आएगा कि मम्मी के साथ जो हम लोग टाइम बिताए हैं अभी इस दौरान, कितना केयर करना बाबू का। हम लोग सोते रहते तो उठा ले जाती थी, मीज वीज देती थी, उसको नहला देती थी। चलो रो मत, सामान पैक करो। तब कल क्या कुछ सामान वामान ले, साड़ी वाड़ी क्या क्या लोगे देने के लिए? कर लेंगे, कल चल लेना, कल सैटरडे है, कल ऑफ कर लेते हैं, कल चलते हैं, सामान वामान ले लेते हैं। संडे को कुछ मार्केट बंद रहती है, कल सैटरडे हो जाएगा, शॉपिंग तो हो जाएगा जल्दी से। क्या बोलती हो? अच्छे से विदाई करो मम्मी का, मम्मी भी खुश होके जाए, मुस्कुरा के जाए यहाँ से हंसते खेलते, और रोना नहीं तुम, ठीक है? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है जिंदगी में। नहीं, कभी भी ऐसे अकेले में रहे नहीं है ना, जब से घर लिए तभी, पर कोई ना कोई तो रहता ही है हम लोगों के साथ ना। पहले मेरी मम्मी थी, फिर उसके बाद किट्टू की मम्मी भी आ गई, बम्बे चली गई, लेकिन किट्टू की मम्मी रुकी रह गई। फिर उन्होंने भी भाई बहुत समय अपना दिया, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और फिर ऐसा कुछ रहेगा तो फिर बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मम्मी जा रही कि दोबारा नहीं आएंगी, फिर आएंगी। हम तो बोल रहे हैं गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, क्या करेंगी मम्मी जा करके, गर्मी बात जाए। लेकिन चलो बैग तो पैक हो गया, इसको भी साइड कर, ये भी सही हो गया, बैग पैक वैक होकर के साइड में रख गया है, बाकी एक दो चीजें जो हैं वो रखी हुई हैं अपना डेली यूज में, बाकी सामान मेन सामान पैक हो गया है ताकि टेंशन ना रहे मम्मी को। सो गाइस, रात के 9 बज चुके हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ जाता है ना मुझे भी, सारी चीज़ें मैनेज करना। अभी सब जाएंगे तो फिर थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट्स हो जाएंगे। अब किट्टों को भी संभालना, बच्चे को भी संभालना, मेरी जिम्मेदारी डबल हो जाएगी। अभी तक मम्मी, मैं ऑफिस जाता था मैं ये टेंशन फ्री रहता था कि घर पे एक है, एक बड़े लोग हैं, मम्मी हैं, जो कोई भी दिक्कत है तो वो साथ में बैठी हुई। लेकिन अब मेरा ऑफिस के अलावा मेरा फोकस यहीं पर रहेगा, तो ठीक है। किट्टो को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन होता ना कि भाई इसका थोड़ा सॉफ्ट हार्ट है ये, तो तुरंत से रोने लगती है। और माँ बेटी का अटैचमेंट तो भाई साहब कोई क्या कह ही कर सकता है उसमें। और माँ है ये, देखा जाए तो किट्टो का ससुराली है ये, तो कितने दिन तक रहेंगे, अब समय आ ही गया है उनके जाने का,
टिकट्स उनके हो गए हैं, 18 तारीख उनका सुबह सुबह टिकट है, तो सुबह 18 तारीख को निकल जाएंगी। तभी एक दिन दो भी दिन जो भी हम लोगों के साथ हैं तो बढ़िया सो जाए, और किट्टो सोच रहे कि मम्मी का विदाई अच्छे से करें। ठीक है, हम उसमें उनका फुल सपोर्ट करते हैं और सहयोग करते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छे से विदाई करें मम्मी का। ये जो साड़ी उसने दी है, मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स करने लगेंगे किट्टो अपनी पहनी हुई साड़ी दे रही है, अपनी कोलेबोरेशन वाली साड़ी दे रही है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया ना ब्लॉग शूट किया। मम्मी मुझे मैं क्या करूंगी इतना, मैं तो बस बना के रही होती, रखा ही रखा रहता। तो उस साड़ी को हम नहीं गिनते हैं कि हम उनको दे रहे हैं, वो तो है तो दे दिया उसने, और हमें विदाई के लिए अलग से हम लेंगे। नई भी साड़ी दी है और मैं ना बहुत दिन पहले खरीदी थी, इसको कभी यूज नहीं, लेकिन वो भी हम नहीं दिखाए। हाँ कोई बात नहीं, हम देखिए वो तो अलग चीज है, लेकिन हम कुछ और लेकर के देंगे। मैं रख रही थी ना, तो मुझे ना मोबाइल चलाने, आप देखे होंगे मैं शाम को ब्लॉग स्टार्ट की, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी की मैं ब्लॉग। हाँ तो ये चीज मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं उठ के तुरंत कमेंट करने लगेंगे कि साड़ी वाड़ी को लेकर, क्योंकि किट्टो के पास जितनी भी चीजें रहती है ना वो हर किसी को देती है। हमारे घर में चूड़ा साड़ी बहुत किट्टो कोलेबोरेशन के लिए आती है और सबको देती है वो, शूट वगैरह भी आते हैं, सानिया को भी देती है, सोनाक्षी को भी देती है, वंदना भाभी को भी देती है, बड़ी भाभी को भी देती है, और किट्टो अपने मायके में भी देती है, ससुराल में भी, सब जगह मतलब जो भी जैसे बन पाता है अपना करती रहती है। तो जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, उनको पता है कि किट्टो एक बार पहनती है कोलेबोरेशन को फिर निकाल के रखा ही रहता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पर किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी इस साड़ी को हम विदाई में नहीं गिन रहे हैं, लोग बोलेंगे कि यही साड़ी देकर के विदाई कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग कल लेंगे चीज़ें तो आप सब लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मुझे क्लियर। फिर आप लोग बोलते हो कि भाई सफाई में, तो सफाई देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स करने लगते हैं और इतना बोलने के बाद भी कमेंट्स आएंगे ही आएंगे, तो कोई बात नहीं, अब मैं किसी को तो भाई रोक नहीं सकता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, खूब सारा प्यार दुलार स्नेह जरूर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।